नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 22 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, पेगासस जासूसी कांड से संबंधित है। आपको बता दें कि पेगासस मामले में अफसरों से पूछताछ कर सकती है संसदीय समिति। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संसदीय समिति की 28 जुलाई को बुलाई गई है बैठक। कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं इस समिति के अध्यक्ष। इस मामले को लेकर मचा है हंगामा। जो आपको बता दें कि पेगासस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े संसदीय समिति अगले हफ्ते गृह मंत्रालय समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकती है। शशि थरूर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 28 जुलाई को यह बैठक होने वाली है। वही अगली खबर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको बताएं कि सूबे के बाहर के दामाद भी होंगे स्थानीय निवासी। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल नियम में बड़ा परिवर्तन, जमीन जायदाद खरीदने का मिलेगा अधिकार। आपको बता दें ये खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। और पहले जम्मू कश्मीर में नियम था कि अगर जम्मू की कोई लड़की जम्मू कश्मीर के से बाहर किसी दूसरे राज्य के युवक से शादी करती है तो लड़की का भी नागरिकता खत्म हो जाता था, लेकिन अब इसमें तब्दीली किया गया है। लड़की का तो रहेगा ही, अब दामाद को भी वहाँ का नागरिकता मिलेगा और जमीन जायदाद खरीद सकते हैं वो। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया है कि ग्राहकों को मिली रसोई गैस एजेंसी बदलने की सुविधा। घरेलू गैस एजेंसियों की मनमानी से लोगों को मिलेगी राहत। पहले चरण में अभी एक ही कंपनी की एजेंसियों में कनेक्शन ट्रांसफर करने की सुविधा, धीरे धीरे पूरी तरह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की जाएगी। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है, CAA NRC से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, ऐसा कहा है सरसंघचालक RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने। और उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए CAA NRC को हिंदू मुसलमान का विषय बना दिया गया, यह हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। तो आपको बताएं कि मोहन भागवत जो है वो इसके बारे में समझा रहे हैं कि इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है और ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, बल्कि इससे दोनों वर्गों को फायदा होने वाला है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, इस पर दिया है कि CBSE ने 12वीं का परिणाम तैयार करने का बढ़ाया समय। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करने का समय बढ़ा दिया है। अब स्कूल 22 के बजाय 25 जुलाई को शाम 5 बजे तक परिणाम CBSE को सौंप देंगे। दरअसल अत्यधिक दबाव के कारण शिक्षक परिणाम तैयार करने में त्रुटियां कर रहे थे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, 1222 ऑक्सीजन संयंत्र 15 से पहले शुरू होने की संभावना। आवासीय और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को कहा कि PM केयर्स एंड फंड के तहत 2212 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं और उनके 15 अगस्त से पहले शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में 300 PSA संयंत्र काम कर रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, किसान आंदोलन से संबंधित है। कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर कर सकेंगे प्रदर्शन। LG के निर्देश पर पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा में बनी सहमति। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए इजाज़त मिली है। आपको बता दें कि किसान संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए अड़े थे और इसके बाद ये बीच का रास्ता निकाला गया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, नई पीढ़ी की आकाश समेत 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत करने के लिए DRDO ने बुधवार को 2 स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इसमें से एक कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरी सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया है। वही इसके अलावा बताएं कि फ्रांस से 3 राफेल विमान भारत को और मिल गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि अमेरिका में अब भी 50 लाख से ज़्यादा सक्रिय केस। बाइडेन ने कहा, मौत के मामले घटे लेकिन डेल्टा से रहे सावधान। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले कोरोना के मामले उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है
जनसत्ता से जिसमें दिया है कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा 16 अगस्त से। सीबीएसई ने बुधवार को कहा कि व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए 12वीं की परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने नियमित विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने से इनकार करते हुए कहा कि न तो स्कूलों में और न ही बोर्डों के पास इन विद्यार्थियों का पिछला मूल्यांकन रिकॉर्ड है और इसके लिए व्यक्तिगत परीक्षाएं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिया है कि तकनीकी शिक्षा संस्थाएं स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए आगे आएं, ऐसा कहा है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। आपको बताएं कि 11 मातृभाषाओं में बीटेक उपलब्ध कराने के AICTE की सराहना भी की उन्होंने। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, बुधवार को कोरोना के 41,000 मामले पूरे देश में दर्ज किए गए और 503 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण मौत हुई है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, बर्ड फ्लू से पहली मौत की जांच शुरू करेगा हरियाणा। आपको बता दें कि देश में बर्ड फ्लू से हुई पहली मौत के मामले में हरियाणा महामारी विज्ञान जांच शुरू करेगा। गुरुग्राम के 11 वर्षीय बच्चे को की बर्ड फ्लू से दिल्ली के एम्स में 12 जुलाई को मौत हो गई थी और ये अपने आप में पहला केस है भारत में और इसकी जांच हरियाणा सरकार करवाएगी। वही अगली खबर प्रभात खबर से, उत्तराखंड सीमा पर हलचल, चीन ने LAC पर भेजे जवान, भारत सतर्क। आपको बता दें CDS विपिन रावत कर चुके हैं सीमाई क्षेत्रों का दौरा। लद्दाख के बाद अब चीन उत्तराखंड सीमा पर भी एक्टिव होता दिख रहा। करीब 6 महीने बाद चीन की सेना ने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एक बार फिर से अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। हाल में ही PLA की एक प्लाटून को यहां देखा गया है और इसको देखते हुए भारत ने वहां पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि भारत में 1,19,000 बच्चों ने कोविड से खोए अपने माता पिता। AIDA और NIH की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में 1,19,000 बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, हर प्रखंड में वेंटिलेटर से लैस होगा एक एक एम्बुलेंस तैनात। और आपको बता दें कि तीसरी लहर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक परिवहन सुविधा की कमी दूर होगी और इसके लिए बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। हर एक प्रखंड में एक एम्बुलेंस वेंटिलेटर सुविधा के साथ तैनात किया जाएगा। वही अगली खबर हमने दिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने की छूट मिली। नियुक्ति के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी। सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए इसकी मंजूरी दे दी है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से ही, पटना में शनिवार से चलेगी 50 CNG बसें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाएंगे हरी झंडी। राज्य भर में 350 एम्बुलेंस का भी परिचालन शुरू होगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, क्लैट कल पटना के 5 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 1 घंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर पर। 2300 सीटों पर होगा दाखिला। परीक्षा के माध्यम से 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में होगा नामांकन। इस बार ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी परीक्षा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से, इसमें दिया है कि आज सभी केंद्रों पर लगेगी वैक्सीन। कोवैक्सीन की 60,000 डोजें मिल गई हैं। आप बताएं कि 31 तक राजधानी में सबको टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक भास्कर से, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी समेत कई ट्रेनों के मार्ग में अस्थायी बदलाव, रीशेड्यूल भी किया गया है। 14 ट्रेनों का आज से परिचालन शुरू होगा, जिसके बारे में आप विस्तृत में पेपर में देख सकते हैं दैनिक भास्कर की आज। वही अगली खबर भी दैनिक भास्कर से हमने लिया है, पंचायत चुनाव से संबंधित है। पंचायत चुनाव में विरोधियों पर निजी हमले करने वाले प्रत्याशियों पर होगी सख्त कार्रवाई। धर्म जाति के आधार पर वोट मांगा तो होगा आचार संहिता का उल्लंघन के मामला दर्ज। आपको बताएं कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण के पटना एडिशन से हमने लिया है, इसमें दिया है कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी निगरानी जांच। प्रमाण पत्रों की को पोर्टल पर अपलोड करने वाले शिक्षकों में बेचैनी। सिर्फ 4,187 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। 4-5 दिन का मौका दे होगा फिर होगी बर्खास्तगी कार्रवाई। तो इन्हें 4-5 दिन का मौका दिया जा सकता है। लगभग 96,000 कैंडिडेट ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पोर्टल पर
जमा कर दिए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, जिसमें दिया है कि पहचान भरी तो रद्द होगी उम्मीदवारी। आपको बता दें कि बीपीएससी की 66वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रकार का पहचान अंकित करने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके बारे में काफ़ी और भी वजह दी हुई हैं जिसके कारण अगर आप वो गलतियां करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं होगा, आप फेल घोषित कर दिया जाएंगे। तो इन जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका आप जरूर एक बार पढ़ें और उसका पालन करें। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के पटना एडिशन से लिया है, इसमें दिया है कि आज पूरे सूबे में 88 संक्रमित मिले और संक्रमण दर जो है वो 0.05% हो गई है और मंगलवार बुधवार के बीच राज्य में कुल 160,000 जाँच किए गए हैं। तो मामले लगातार कम होते जा रहे हैं लेकिन हमें एहतियात बरतना है क्योंकि तीसरी लहर की संभावनाएँ बनती जा रही है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से, अब 26 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम में बदलाव, बारिश कम होने से उमस भरी गर्मी बढ़ने की संभावना, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव कमजोर पड़ा है और 26 जुलाई के बाद ही सूबे में बारिश के आसार बन रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के पटना एडिशन से, जिसमें दिया है कि राजधानी के 38 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग होगी चार्जिंग की सुविधा, पार्किंग के में मानव बल का कम से कम होगा उपयोग, ऑटोमेशन पर होगा जोर, लोगों को वाहन पार्किंग की समस्या से मिलेगा निजात, जल्द ही दोबारा निकाली जाएगी निविदा और इसके लिए जगह बनाए गए हैं, उन सारे जगहों का जिक्र पेपर में आज किया हुआ है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि अगस्त के पहले सप्ताह से शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग की शुरुआत हो सकती है। अगस्त के प्रथम सप्ताह के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रस्तावित है काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होगा। यहां वर्ग 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 के लिए अलग अलग तिथियों पर निर्धारित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा की है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि उम्र कैद की सजा काट रहे 38 कैदी को रिहा किया गया। सबसे ज़्यादा कैदी बक्सर कैमूर के जेलों से रिहा किए गए, बेउर से भी 8 कैदी रिहा किए गए। राज्य सरकार ने विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे वैसे 38 कैदियों को रिहा किया है जिनका आचरण सजा के दौरान अच्छा पाया गया। इनमें से अधिकतर कैदियों की सजा 12 वर्ष या इससे ज़्यादा पूरी हो चुकी थी। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।